देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे खबर सेवसी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं हूं जुगल किशोर, आप देख रहे हैं खबर सेवसी न्यूज चैनल। वाराणसी के सेनपुरा निवासी संतोष चौरसिया की हत्या का खुलासा करते हुए चेतगंज पुलिस ने बताया कि पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर संतोष चौरसिया की हत्या कराई थी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विजय की ये रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा संतोष कुमार चौरसिया पुत्र दीनानाथ चौरसिया निवासी सेनपुरा चेतगंज वाराणसी की हत्या में पंजीकृत अभियोग में त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी चेतगंज के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 26 जुलाई 2019 को प्रभारी निरीक्षक चेतगंज प्रवीण कुमार महमरा पुलिस बल को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी। तो चौरसिया की स्वाभाविक मृत्यु होना बताया जा रहा था, परंतु बाद में कुछ ऐसे तथ्य संज्ञान में आए जिसके आधार पे ये प्राकृतिक मृत्यु ना होके इनकी हत्या किया जाना परिलक्षित हुआ। उसके आधार पे चेतगंज थाने पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है और आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी को भी आज गिरफ्तार किया गया है, रूपा चौरसिया को। इसके अलावा आमिर सन ऑफ मुमताज, रवि कसेरा और अमन कसेरा, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें ये बात संज्ञान में आई कि संतोष चौरसिया का की जो पत्नी है उसके आमिर सन ऑफ मुमताज के साथ कुछ जान पहचान और घनिष्ठता हो गई थी और उसको चलते इनको संतोष चौरसिया इसमें बाधा कर रहे ऐसा लग रहा था और संतोष चौरसिया के द्वारा भी अपने पत्नी से इसके बारे में आपत्ति जताई गई थी। इनके द्वारा पूर्व में उसकी हत्या, जब वो दुकान से कैश लेके आते हैं उसी समय पे उसकी हत्या करने की योजना बनाई गई थी, परंतु इस बीच संतोष चौरसिया बीमार हो गए, टीबी के कारण वो बीमार हो गए और घर पे ही रहने लगे, तो इनके द्वारा अपने योजना में परिवर्तन किया गया और आमिर सन ऑफ मुमताज के द्वारा अपने अन्य दोस्तों को, रवि कसेरा और अमन कसेरा को, वहाँ पर उनके घर पर बुलाया गया और उनका गला दबा के उनकी हत्या की गई। और इस पूरी घटनाक्रम में उनकी पत्नी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक उनसे 9mm का पिस्टल भी बरामद हुआ है, एक 32 बोर का पिस्टल और 4 कारतूस भी इसमें बरामद हुए हैं और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है और पूरी घटना का इसमें खुलासा हुआ। जिन लोगों ने हत्या की थी, क्या इनका कोई पुराना रिकॉर्ड है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं सामने आया है, पर आमिर सन ऑफ मुमताज और अन्य जो ये 2-3 लोग हैं, इसका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और जांच करनी पड़ेगी कि और कहीं अन्य थानों पे कहीं अभी पंजीकृत होंगे तो उसके बारे में भी हम लोग जांच करेंगे। एक व्यापारी से रंगदारी वसूलने के लिए जा रहा है, लगातार ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ व्यापारियों को इसके द्वारा रंगदारी वसूलने के लिए कॉल्स वगैरह किए गए, उसी सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा काम किया गया और अपराधी के द्वारा पुलिस के पीछा करने पे भागने की कोशिश की गई और फायर किया गया पुलिस के पार्टी के ऊपर, जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया और उसमें अपराधी को गोली लगने से वो घायल हो गया, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसका एक लंबा आपराधिक इतिहास है, इसके खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों पर और अन्य जनपदों में भी कुछ मुकदमे पंजीकृत थे, जिसमें 9 मुकदमे है। अधिकतर मुकदमे लूट और रंगदारी और मर्डर के संबंध में पंजीकृत हुए हैं, 2 मर्डर के मुकदमे इसके विरुद्ध कायम है और संतोष शुक्ला गैंग का ये एक्टिव मेंबर है। कुछ ही दिन पहले ये जेल से छूट के आया था और जैसे ही जेल से छूटने के बाद ये पुनः सक्रिय हो गया था, पुलिस के द्वारा इसमें पुलिस एंगेजमेंट में इसकी गिरफ्तारी की गई है और गिरफ्तारी की टीम में क्राइम ब्रांच के प्रभारी राजीव और SO लक्सा अमित मिश्रा ये शामिल रहे हैं और इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी जो है शामिल रही है गिरफ्तारी में। एक अन्य गुड वर्क में